ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय श्री प्रह्लाद उवाच कौमाराचरेत् प्राज्ञो धर्मान् भागवतानि दुर्लभं मानुषं जन्म तदप्य ध्रुवमर्थदम् यथा हि पुरुषस्येह विष्णोः पादोपसर्पणम् जदेश सर्वभूतानां प्रियायात्मेश्वर सहे प्रह्लाद उवाच कौमाराचरेत् प्राज्ञो धर्मान् भागवतानि दुर्लभं मानुषं जन्म तदाप्य ध्रुवमर्थदम् पुरुषस्येह विष्णोः पादोपसर्पणम् यदेश सर्वभूतानां प्रियायात्मेश्वर श्रीप्रह्लादवाच यदेश सर्वभूतानां
श्री प्रहलाद वाच श्री प्रहलाद महाराज ने कहा कौमारे कुमारावस्था में बचपन में आचरे आचरण करना चाहिए प्राज्ञः बुद्धिमान व्यक्ति को धर्मान धर्मों का भागवतान भगवान के प्रति भक्ति यह इस मनुष्य जन्म में क्योंकि दुर्लभम दुर्लभ है मानुषम जन्म मनुष्य का देह तद फिर भी अपि क्योंकि अध्रुवां क्षणभांगुर अर्थदां जीवन का परम पुरुषार्थ देने वाला तो श्री प्रहलाद महाराज इस छठवें अध्याय में असुर बालकों को उपदेश दे रहे हैं और ऐसा अंतिम अध्याय में लिखा गया सातवें में सभी बच्चे प्रहलाद महाराज के उपदेश को सुनकर पूर्ण कृष्ण भावना भावित हो गए भगवान कृष्ण के भक्त हो गए। षष्ठे गुरौ गृह व्यग्रे प्रहलादो दैत्य बालकान अनुकंप परम तत्व नर्दोक्तम तमुपावेशक प्रहलाद महाराज अनुकंपा से बच्चों को उपदेश कर रहे हैं क्योंकि प्रहलाद महाराज सत्य में प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। वे जानते हैं कि बिना भगवान की भक्ति के जीवन का लक्ष्य पूरा नहीं हो सकता, वास्तविक सुख प्राप्त नहीं हो सकता। लोग निरर्थक क्रिया में और निरर्थक बातचीत में अपने जीवन के दिन को अतिवाहित कर रहे हैं, व्यतीत कर रहे हैं। तो प्रहलाद महाराज एक महान कृति व्यक्ति थे जिन्होंने पूर्व जन्म में भी बहुत बहुत भजन किया था, तो वे भागवत धर्म का उपदेश कर रहे हैं बच्चों को। मूल वाक्य है, यह कहते हैं कि कौमारे भागवतान धर्मान आचरित, कुमारावस्था में ही बचपन में ही भक्ति करनी चाहिए। भागवत धर्म मतलब भगवान के प्रति जो हमारा ये जीव का जो कर्तव्य है उसे करना चाहिए। भागवत और वो भी यह एवं इसी जन्म में, इस प्रकार का दूसरा जन्म नहीं होता है। मतलब दूसरे जो शरीर हैं वे भागवत धर्म के आचरण के लिए पूर्ण ठीक नहीं है। और जहां तक भोगों की बात है, भोग भोगने के लिए तो सब शरीर समान इंपॉर्टेंस रखता है। तो ऐसा नहीं है कि मनुष्य शरीर में कोई व्यक्ति संसार के भोगों को बेटर वे में भोगेगा, ऐसा नहीं। भागवत धर्म का आचरण करने के लिए, भगवान के भक्ति में लगने के लिए यह शरीर मिला है। ठीक है, तो कोई कहे कि शरीर मिला है तो
कुछ दिन संसार के भोगों को अर्जन कर ले, बाद में करेंगे भक्ति। तो कहते नहीं नहीं कौमारे कुमारावस्था में भागवत धर्म का आचरण करना चाहिए, वो भी काम में धर्म का नहीं, इंद्रिय तृप्ति कराने वाले जैसे वर्ण और आश्रम के बहुत से धर्म हैं, उन्हें करने की आवश्यकता नहीं है। डायरेक्ट भगवान को प्रसन्न करने वाले जो कर्म हैं, जिन्हें भागवत धर्म कहते हैं, उन्हीं का आचरण करना चाहिए। इसी शरीर में और वह अभी बचपन में ही क्यों आगे क्यों नहीं करेंगे, बाद में कर लेंगे। तो कहते नहीं नहीं अध्रुवम, इस शरीर का कोई ठिकाना नहीं है। अध्रुव का अर्थ है ये सदा नहीं रहने वाला है, अनित्य है, क्षणभंगुर है, कभी भी मर सकता है। इस संसार में यदि पूर्ण संख्या मिला करके देखी जाए कि जवानी में बचपन में और एक्सीडेंट में कितने लोग मरते हैं, तो प्रतिदिन मरने वालों की संख्या पूरे संसार में 1000 से ऊपर ही होगी एक्सीडेंट में मरने वालों की, और बचपन आदि में मरने वालों की संख्या सब मिलाइए तो कई लाख होगी, और नेचुरल मरने वालों की संख्या तो करोड़ों में होगी, क्योंकि करोड़ों मर रहे हैं, करोड़ों जन्म ले रहे हैं। पूरे संसार का छानबीन किया जाए तो करोड़ों लोग रोज जन्म ले रहे हैं। जन्म लेने वालों की संख्या मरने वालों से कुछ ज्यादा है, क्योंकि संख्या बढ़ती जा रही है संसार की, लेकिन फिर भी मरने वाले भी काफी मर रहे होंगे। अच्छा, मरने में अगर यह आकलन किया जाए क्या सब बूढ़ा होकर के ही मर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। तो अध्रुवम, यह शरीर अध्रुव है, एक दिन की भी कोई गारंटी नहीं कर सकता है कि ये रहेगा ही, इसलिए बचपन में ही भजन करना चाहिए। अच्छा, तो कोई कहे कि क्या जरूरत है मनुष्य शरीर में भजन करने की, दूसरा शरीर मिलेगा तो करेंगे, इस शरीर में भोग भोग लें, दूसरा शरीर मिलेगा तो करेंगे। तब वे कहते हैं अर्थदम, यही शरीर हमारे जीवन का पर्पस, पर्पस ऑफ लाइफ ये साधित करेगा। अर्थद, अर्थ का अर्थ है पर्पस, पुरुषार्थ, जीव का परम पुरुषार्थ है परम आनंद प्राप्त करना। वास्तव में कोई भी व्यक्ति कुछ काम कर रहा है तो उसके पीछे उसका उद्देश्य क्या है, सुख प्राप्त करना है, ऐसा सुख जो कभी समाप्त न हो और जिसमें दुख न मिला हो, जिसको शास्त्रीय भाषा में अनवद्य सुख और अनंत सुख कहा जाता है। तो भगवान कृष्ण ही आनंद के स्वरूप हैं, उनको जब जीव पाएगा तभी वो सुखी हो सकता है, भगवान के बिना सुखी नहीं हो सकता है। तो भगवान की अर्थात परम सुख की प्राप्ति कराने वाला यही शरीर है। भगवान ने 84 लाख प्रकार के जो शरीर बनाए हैं, तो सभी शरीर में कुछ न कुछ कैपेसिटी दी है, शक्ति दिए हैं। केवल मनुष्य शरीर ऐसा है जिसमें इस प्रकार का ब्रेन फिट किया गया है जिससे जीव भगवान को समझ सकता है, और दूसरे शरीर में सुविधा नहीं है। अतः यह शरीर जब तक विपत्ति में नहीं पड़ जाता है, जब तक अक्षम नहीं हो जाता है, कहने का अर्थ ये है, उसके पहले बचपन में ही भगवान का भजन कर लेना चाहिए। जवानी की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए कि जवान होंगे तब भगवान की भक्ति करेंगे। तो आप बताइए कि जिन लोगों की उम्र 35-40 की हो गई है, वो लोग कितना पीछे छूट गए, तो अभी भी पूरा नहीं कर रहे। फिर से पूछिए कि आप कितना जप करते हैं, तो बाद हम तो 6 माला करते हैं, तो 8 माला करते हैं, तो अभी भी होश नहीं है। तो बचपन में पूरा भजन करना चाहिए था, बहुत पीछे छूट गया भजन, तो अब जो टाइम मिला है उसमें तो पूरा करें। प्रहलाद महाराज का उपदेश है असुर बालकों को,
क्योंकि यह शरीर अर्थद है, कृष्ण प्रेम देने वाला है, कमाना चाहिए इस शरीर से, और यदि हम नहीं कमाते हैं तो फिर ये तो क्षणभंगुर है ही, किसी भी समय चला जाएगा। अतः यदि कोई व्यक्ति प्राज्ञ है, बुद्धिमान है, तो उसके लिए उपदेश किया जा रहा है। पहले प्रहलाद महाराज कहते हैं कौमार आचरित प्राज्ञ, बुद्धिमान व्यक्ति, विद्वान व्यक्ति भागवत धर्म का आचरण करे। चरण, चरण का अर्थ होता है किसी क्रिया को पूरा करना, और आचरण कंप्लीटली करना, पूरा पूरा सम्यक रूप से जो कोई कार्य करते हैं तो उसको आचरण कहते हैं। तो आचरित मतलब ठीक से भागवत धर्म करे, भक्ति करे, जीवन का कोई ठिकाना नहीं, ऐसा शरीर बार बार नहीं मिलेगा, और ये मिला भी हुआ है तो प्रतिक्षण इसके नाश का भय बना हुआ है, कभी भी जा सकता है। तब इस पर प्रश्न हो सकता है कि क्यों भगवान की भक्ति करें, भगवान से क्या संबंध है हमारा? कोई डायरेक्ट उपदेश कर रहा है कि भगवान की भक्ति करनी चाहिए, और किसको कर रहा है? असुर बालकों को। जो पूछ सकते हैं ना कि विष्णु से हमारा क्या लेना देना है कि हम उसका भजन करें? तो प्रहलाद महाराज कहते हैं देखो, जथा ही पुरुषस्य विष्णु पादोपसर्पण, समस्त शास्त्र कहते हैं और समस्त संत कहते हैं कि विष्णु पादोपसर्पण, विष्णु के चरण में चले जाना, उपसर्पण मन बहुत तेज गति से भगवान के चरण में समर्पण करना, विष्णु को समझना, यही पुरुषस्य जथा, जथा का अर्थ उचित, पुरुष के लिए यही योग्य है, जीव का यही परम धर्म है, यही उसकी सुख स्थिति है, कहीं भी जन्म हुआ हो, किसी भी परिस्थिति में हो, लेकिन वहां से विष्णु के चरण में उपसर्पण करे। आपने सर्प शब्द का अर्थ समझा होगा, सर्प उसे कहते हैं, सर्पति जो छलकता जाए, तेज गति से चले, उसको सर्प कहते हैं। सांप चलता है तो छलकता जाता है, तो चलता है टेढ़ा टेढ़ा ऐसे, लेकिन छलकता जाता है, इसको सर्पण कहते हैं, जो सर्पण करे उसको सर्प कहते हैं। यहाँ उपसर्प है, उप का अर्थ है आधिक्य, न बहुत तेज गति से, बहुत बारीकी से, सब ओर से मन हटाकर विष्णु के चरण में भागना है जीव को। और बचपन में ही विष्णु को उपसर्पण करना है, मतलब उपसर्पण का अर्थ है कि जीव के पास, आत्मा के पास जो भी शक्तियां हैं, जैसे श्रवण शक्ति, बोलने की शक्ति, देखने की शक्ति, सुंघने की शक्ति, टच करने की शक्ति, तो विष्णु के तरफ ही इन इंद्रियों के प्रवृत्ति को धावित करना चाहिए, सब ओर से हटा करके, इसको उपसर्पण कहते हैं। मतलब भगवान की शरण लेना, उनका भक्त बनना, यही जीवन के लिए जथा, जथा का अर्थ योग्य है, अनुरूप है, मनुष्य के लिए यही उचित है, या किसी भी जीव के लिए विष्णु के लिए उपसर्पण करना है। जन्म माया जगत में है, भिन्न भिन्न जगह पर हम लोग जन्म लिए हैं, संस्कार भी पहले का ठीक नहीं है, समाज भी वर्तमान में ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी जहां है वहीं से भगवान के चरण में भागना है। और जैसे आप मंदिर में आते हैं, कथा सुन रहे हैं, और भी संडे कोई जैसे तैसे आते रहते हैं, तो अपने घर से उपसर्पण करके आ रहे हैं, भाग करके आ रहे हैं। आप लोग तो और भी कार से तेज गति से आते हैं, इसलिए ये और भी अच्छा है, भाग भाग कर आना, इसको उपसर्पण कर। गोपियों के ऊपर कितनी बाधा थी कृष्ण से मिलने में, लेकिन फिर भी वे घर से, लोगों से बच करके, छिप करके, किसी न किसी बहाने से वे भाग जाते थे, तो उपसर्पण कहते। गोपियों को ब्रज में बहुत बाधा थी, श्री कृष्ण को देख नहीं सकती थी सीधे आंख से। एक बंगाल के कवि का पद है, राधा रानी के भाव में वो राधा रानी कह रही हैं कि मनमथ तो है कि कहब अनेक, दिठी अपराध प्राण परिपीरस, ये तो कौन विवेक। राधा रानी ने कृष्ण को एक बार देखा, प्रथम बार की बात,
वैसे तो नित्य प्रिया है, लेकिन कहीं जन्म दूसरी जगह होता है, कृष्ण का दर्शन होता है, पूर्वराग उत्पन्न होता है, तो हृदय में बहुत लालसा उत्पन्न हो गई कृष्ण को देखने की, मिलने की। तो कामदेव के प्रति राधा रानी उलाहना दे रही कि मनमत तो है कि कहब अनेक, मैं क्या तुमको कहूं, तुम कितना गलत व्यक्ति हो, दिठी अपराध और प्राण पर पीरसी, ये तो कौन विवेक। यदि कृष्ण को देखा तो आंखों ने अपराध किया ना, तो तुम प्राण को उद्वेग क्यों दे रहे हो। द्वितीय अपराध परान परिपीरस, ये तो कौन विवेक। वास्तव में कृष्ण को देखा तो नेत्रों ने, तो अपराध तो नेत्रों ने किया। अगर अपराध मानते हो तो तुम प्राण में पीड़ा क्यों दे रहे हो, क्यों हमारे प्राण में पीड़ा दे रहे हो, कृष्ण से मिलने की लालसा धधका रहे हो, देखे बिना रहा नहीं जाता। और फिर राधा रानी कहते हैं मैंने तो कृष्ण को देखा भी नहीं, भर आंख पूर्वा हिर पथ करत गतागत को नहीं हेरत कान, तोहर कुसुम सर कतहुन संचर हमर हृदय पंचदान। इस ब्रज में, इस गोकुल में, वृंदावन में जब कृष्ण गाय चराने जाते हैं और फिर गाय चरा कर लौटते हैं, गतागत करते हैं, तो कौन नहीं कृष्ण को देखता है, कौन नहीं दर्शन करता है। तुम्हारा पंच बाण कहीं भी नहीं चलता है, केवल मुझ पर ही चलता है। जब सब लोग देखते हैं तो उनको मारो, हमको ही क्यों मारते हो, केवल हमें मार रहे हो। और मैंने क्या किया, मैंने तो थोड़ा कृष्ण को देखा। राधा रानी कहती है कि दाहिन नयन पिसुनगन वारल परिजन बाम ही आग, कहते हैं कि मैं कृष्ण को भर आंख नहीं देखी, मेरी दाहिनी आंख तो लगी हुई थी निंदकों की ओर कि वे न देखें कि राधा देख रही है कृष्ण को। तो मेरी दाहिनी आंख लगी हुई थी निंदकों के तरफ, बहुत बहुत निंदक थे ना, कह रहे ये कृष्ण में आसक्त हो गई है, ये हो गई हो गई, इसीलिए उन पर मैं देख रही थी कि वे देखें कि हमारी तरफ देख रही है, कृष्ण पर नहीं देख रही है। तो दाहिन नयन पिसुनगन वारन, पिसुन माने निंदक, दाहिना नेत्र मेरा निंदकों को देख रहा था, और परिजन बाम ही आध, और मैं अपने बाएं आंख के आधे कोण से अपने परिवार के लोगों को देख रही थी। तो आध नयन कोने हरि अवलोकन ततभेल हेत परमा, मैंने आधा बाया नेत्र से अभी कोने से हरि को, कृष्ण को देख लिया, तो मैंने बहुत गलती कर दिया। तो ये बहुत बाधा है वास्तव में श्री कृष्ण को देखने में ब्रज में, लेकिन फिर भी श्री गोपी जन किसी न किसी तरह से भगवान के तरफ भागती, कृष्ण के बिना उन्हें कोई विश्राम नहीं मिलता, चैन नहीं मिलता। उसी तरह से जीव कहीं भी है, किसी काम में है, ऑफिस में है, कहीं भी है, लेकिन विष्णु के तरफ भागना चाहिए, कृष्ण के तरफ भाग। यदि व्यक्ति को ये पर्याप्त ज्ञान हो कि विष्णु हमारे सब कुछ हैं, तो वो भागेगा ही, वो मिलेगा ही भगवान से। मंदिर आएगा या भागवत पढ़ेगा या घर में भी जो ड्यूटी है उसकी सेवा करेगा, लगा रहेगा। अधिक से अधिक समय भगवान में ही बीतना चाहिए, कहने का आशय ये है। इसको विष्णु पादोप सर्पणम कहते हैं। तो ये प्रश्न किया जाए कि हम विष्णु के प्रति क्यों इतना आसक्त हों, तो प्रह्लाद महाराज कहते हैं जदेश सर्वभूतानां प्रिय आत्मेश्वर सहित जत, क्योंकि भगवान कृष्ण विष्णु ही सर्वभूतानां सभी जीवों के आत्मा हैं, परम प्रेमास्पद हैं, ईश्वर हैं, सुहृद हैं। भगवान के साथ जीवों का सबसे ज्यादा इंटीमेट संबंध है और बहुत प्रिय का संबंध है। प्राय लोग ऐसा समझते हैं संसार में कि भगवान के साथ जीवों का संबंध है, लेकिन वो बहुत बड़े हैं और ये सब क्रिमिनल जीव भरे पड़े हैं, इनको मारेंगे, नरक में गिराएंगे, दंड देंगे, बड़ा भय युक्त। इसीलिए प्राय आपने देखा होगा, चाहे कोई प्रार्थना करे या नमाज पढ़े, हाथ जोड़ता है ईश्वर से, हाथ आदमी जोड़ता है लेकिन प्रेम नहीं करता है।
देखा गया। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने बताया है कि कृष्ण हमारे प्रेम के विषय है, जिस प्रकार हम अपने बच्चे से प्रेम करते हैं या पति अपने पत्नी अपने पति से प्रेम करती है, उससे भी कई गुना स्नेह भगवान के प्रति होना चाहिए। भगवान हमारे प्रिय हैं, प्रिय हम उन्हीं को चाह रहे हैं और वे हमारे सुहृद हैं। सब समय भगवान इसी में लगे रहते हैं कि जीवों का कैसे हित होगा, कैसे इनका कल्याण होगा। वे हमसे प्रेम करते हैं और प्रस्तुत हैं, इसके साथ ही साथ वे सुपर सोल आत्मा हैं, समस्त जीवों के साथ हैं। जीव अपने विषय में कुछ नहीं जानता है, लेकिन भगवान उसके विषय में सब जानते हैं। जो छोटा सा बच्चा है, बच्चा ये नहीं जानता है कि उसका कब जन्म हुआ या उसको खाने के लिए सामान कहाँ से आएगा, पहनने के लिए कहाँ से आएगा, लेकिन माँ सब जानती है। माँ को या पिताजी को मालूम है कि इस बच्चे का कब जन्म हुआ, क्या खाएगा, क्या पिएगा, इतना बड़ा होगा तो स्कूल जाएगा, इसको ये करना है, इसको ये करना है। तो हम लोग तो नहीं जानते हैं कि हम इस जन्म के पहले कहाँ थे या माँ के गर्भ में थे, आगे क्या होगा, पीछे क्या हुआ है, लेकिन भगवान को सब पता है हमारे विषय में। कदाचित मान लीजिए माता पिता बच्चे के लिए सब कुछ करते हैं और बच्चे को सयाना होने पर भी माता पिता का ज्ञान ही न हो कि कौन हमारा पिता है और कौन मेरी माँ, सेवा करने की बात तो दूर है। और बल्कि उल्टे आकर के कोई बच्चे को कह दे कि तुम्हारे माता पिता तो निराकार है, तब क्या होगा बताइए। कोई कह दे तुम्हारे माता पिता एक शक्ति है, कोई रूप नहीं माने, तो ये बहुत बड़ी विडंबना है ना, बहुत बड़ा अज्ञान है वास्तव। जिस ईश्वर ने इस जगत को इतना सुंदर बनाया है वो हमारे सबसे निकटतम व्यक्ति प्रिय है। जदेशा सर्वभूतानाम, और भी समस्त जीवों का, 84 लाख योनियों में जितने जीव हैं, भगवान सबके प्रिय है। इनडायरेक्ट में सभी जीव भगवान को ही चाह रहे हैं, क्योंकि सुख चाहते हैं और सुखमय भगवान है, तो सभी जीव के प्रिय हैं। जब उनको हम चाहते ही हैं तो उनका ज्ञान कराना जरूरी है। तो इनडायरेक्ट में आदमी खोज रहा है सुख मिले, लेकिन जहां भगवान नहीं है वहां पर प्रीति कर रहा है, खोज रहा है, तो कहां से मिलेंगे। तो विष्णु भागवत धर्म का आचरण करने से विष्णु के चरण में व्यक्ति सरकता जाता है, तेज गति से सरकता जाता है। यहाँ उपसर्पण शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। बहुत तेज भक्ति करनी है, तीव्रेण भक्ति जोगे न। यहाँ तीव्रेण का अर्थ है गाढ़ अनुराग के साथ भगवान की भक्ति करनी है। भगवान हमारे अपने, ऐसा नहीं है कि केवल स्वामी भर है, केवल मालिक है, थोड़ी गलती हो जाएगी तो दंड देंगे। ऐसे भारत वर्ष में गीत गाते हैं, सजन वे झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना, तो इसे भय लगता है। और हमने पढ़ा है ग्रंथ में लिखा गया है भगवान कुर्सी पर बैठा है और किसी को जहन्नम में भेज रहा है, किसी को स्वर्ग में भेज रहा है, कर रहा है। लेकिन केवल वैदिक ग्रंथों में इस बात को बताया गया है कि नहीं, भगवान हमारे परम सुहृद हैं, बिल्कुल निकट के व्यक्ति। उतना निकटतम माँ नहीं हो सकती है बच्चे के लिए, पिता नहीं हो सकते हैं, स्त्री या पति उतना निकट के संबंधी नहीं है हमारे जितना भगवान है। परंतु जिन भगवान लोगों ने इस रहस्य का साक्षात्कार किया है वे लोग जानते हैं, जैसे प्रह्लाद महाराज, बहुत निकट का संबंध है। भगवान चैतन्य महाप्रभु अवतार लिए थे इसी बात को बताने के लिए। भगवान चैतन्य महाप्रभु के अवतार के पहले भी भगवान से लोग संबंध रखते थे, लेकिन प्रायः वही कि ईश्वर हैं, महान हैं, हम एक जीव हैं, भगवान ग्रेट हैं, हम तो बिल्कुल स्मॉल हैं, तुच्छ हैं। तो ये पता नहीं था कि हम भगवान से भी बड़ा हो सकते हैं।
जीव भगवान के बराबर समान नहीं हो सकता है, लेकिन बड़ा हो सकता है। ये शास्त्र का सिद्धांत है, उनके समान नहीं हो सकता है। भगवान बस ये कहीं है, लेकिन कोई चाहे तो भगवान की माँ बन सकता है, ये पिता बन सकता है, भाई बन सकता है, और भगवान की प्रिया पत्नी बन सकता है। जे जथा माम प्रपद्यन्ते तथाइव भजन है। कमी वास्तव में जीव के ओर से है। भगवान तो बिल्कुल प्रस्तुत है, अब इससे खोल करके क्या कहेंगे। जे जथा माम प्रपद्यन्ते तथाइव भजन, कोई ऐसा कह सकता है संसार में? बताइए, कोई किसी को कहेगा कि जो मुझको जैसा मानेगा वैसा मैं मान लूंगा? तो आप, आपके पास कोई दो चार लड़के आए कहे कि हम आपको आज से पिताजी मानते हैं, हमारे पालन कीजिए? नहीं, 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 हमको मत मानो, हमारा पहले से ही लड़का है। उसी से हम तबाह है, तुमको क्या मानो। कि भगवान तो खोलकर गीता में बोल रहे हैं, सारे धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हारा पालन करूंगा, तुम्हें सब पाप से मुक्त करूंगा, चिंता मत करो, शोक मत करो। क्या हम लोग कह सकते हैं? कभी कोई व्यक्ति कह सकता है? आजकल भारतवर्ष में एक इंश्योरेंस कंपनी है, तो वो लोग जीवन बीमा रखते हैं, गारंटी देते हैं कि हम आपका योगक्षेम बहाने हम लिखते योगक्षेम बहाने हम लिखते हैं सर, भगवान का वाक्य में ले लिए, लेकिन योग क्षेम क्या बहन करेंगे? वो चाहते हैं कि आप पैसा जमा कीजिए तो हम कुछ सूद देंगे, लेकिन वास्तव में वे स्वयं अपना योग क्षेम बहन कराना चाहते हैं। वो क्या बहन करेंगे? कुछ जमा न किया जाए और फिर भी वे महीना देते रहे तब माना जाएगा कि हाँ वहन कर रहे हैं। लेकिन वह इस तरह से लिखते हैं, परंतु भगवान तो सत्य बोल रहे हैं। केवल कोई मेरा चिंतन करे, भक्ति करे, तो उसको जो चीज चाहिए मैं जुटाता हूं, और जो है उसकी रक्षा करता हूं। जो नहीं है उसको भगवान देते हैं, तो इसको योग कहते हैं, और जो है उसकी रक्षा करते हैं, इसको क्षेम कहते हैं, योग क्षेम। चिंता मत करो, मेरी भक्ति करो। कोई है दुनिया में, कोई भी कंपनी चाहे सरकार, कोई कहे कि हमारा नाम जप करो, मैं सब करूंगा तुम्हारे लिए, कोई है संसार में? कहे नहीं नहीं, आठ घंटा काम करोगे तब कुछ दूंगा, कि नाम जपने से क्या होगा? अगर ऐसा हो तो कहता हम अपने घर पर 16 माला आपका नाम जप करेंगे, आप हमको सब कुछ देते रहे, तो कहेगा बस बस नाम जपने की जरूरत। लेकिन भगवान तो केवल नाम जपने वालों को भी अपनी शरण में रख लेते हैं और सारी चिंता हर लेते हैं। ऐसी एक नहीं हजारों हजारों घटनाएं हुई जगन्नाथपुरी में। पहले ऐसे बहुत ही भक्त ब्राह्मण रहते थे, तो वो भी बड़े गरीब थे, लेकिन बड़े सदाचारी थे। गीता में उनकी बड़ी आस्था थी, भगवान पर विश्वास था, लेकिन जब ये श्लोक पढ़े एक दिन, अनन्यास चिंतयंतो माम ये जनः पर्युपासते तेषां नित्याभिजुक्तानां योगक्षेमं वहामि, तो उनको अविश्वास हुआ या क्रोध हुआ भगवान पर, तो वो श्लोक काट दिए कलम से, ये बेकार है, ये झूठी बात है, कृष्ण कुछ नहीं योगक्षेम बहन कर रहे हैं, मैं इतना गरीब हूँ, दुख में दिन बीत रहा है, तो काट। तो भगवान एक व्यक्ति के रूप में उसके घर आए, मनुष्य के रूप में, और उनके कुछ चावल लेकर के और कुछ सीधा लेकर के वे आए उस घर में। आए तो उनकी पत्नी थी उस समय, तो देखा कि उसके पीठ पर और पेट पर चारों तरफ तलवार से काटा गया है ऐसे उस आदमी के। तो वो स्त्री पूछी कि ये आपके शरीर पर चिन्ह क्यों बना है? तो उस व्यक्ति ने कहा कि बाद में बताऊंगा, लेकिन काटा है तुम्हारा पति। तो वो तो आश्चर्य में पड़ गई, हमारे पति तो तलवार छूते ही नहीं है, ये काटा गया है, ये कैसे कह रहे हैं?
तब तक वो घटना घटी, भगवान ने सपना में कहा उस ब्राह्मण से कि तुम मुझे बहुत काटे हो, गीता में और मुझ में भेद नहीं है, आज मेरे देह पर तुम कलम से खूब खसखस काटे हो, मुझे बहुत दर्द है। और उनकी स्त्री को दर्शन भी दिए थे। जब स्त्री ने कहा कि एक आदमी आया था, बड़ा सुंदर था, लेकिन उसका देह कटा हुआ था तलवार से, आप काटे हैं, तब उनको सपना में भगवान ने कहा था, बहुत पश्चाताप किए और बाद में लगे क्षमा मांगने जगन्नाथ जी के मंदिर में जा करके। कुछ लोग तो ऐसा कहते हैं कि जगन्नाथ जी के विग्रह पर भी खरोच पड़ा, कुछ ऐसा कहते हैं। तो बहुत प्योर भक्त थे, बाद में उन्हें बड़ा अफसोस हुआ। तो कुछ देर के लिए भगवान भले परीक्षा लें, लेकिन वास्तव में जोखिम वहन करते हैं, इसमें संदेह नहीं, क्योंकि वे सबके प्रिय सर्वभूतानां। बारंबार गीता में भगवान ने सर्वभूतानां शब्द का प्रयोग किया है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शान्तिमेच्छति। सर्वभूतानां, सर्वभूतानां कहते समय भगवान की दृष्टि पूरे अनंत ब्रह्मांड में जितने जीव हैं सबके प्रति होगी। सर्वभूतानां का अर्थ ये नहीं हो केवल मनुष्य, और मनुष्यों में भी केवल हमारे परिवार के लोग, ऐसी दृष्टि नहीं। सर्वभूतानां सुहृद प्रिय आत्मा ईश्वर, श्री कृष्ण सभी जीवों के ईश्वर है। ईश्वर का अर्थ है कि अंततः आखिर उन्हीं के कंट्रोल में जीव को रहना पड़ रहा है। वही देह देते हैं, वही स्मृति दे रहे हैं, वही भोजन दे रहे हैं, हवा दे रहे हैं, वही चाहेंगे तो जितना दिन उतना दिन जिएंगे। वे ईश्वर हैं, कंट्रोलर हैं, ऐसा नहीं कि हम उनसे बाहर हैं। वे ईश्वर हैं और परम प्रिय हैं और सुहृद हैं, हितकारी हैं। इसलिए विष्णु के चरण की प्राप्ति करना ही, उनके चरणों की तरफ बड़े वेग से बढ़ना ही जीव की स्वरूप स्थिति है। जत्था का अर्थ स्वरूप स्थिति, यही योग्य है। तो क्यों भगवान विष्णु का भजन करना चाहिए, प्रह्लाद महाराज कितना सुंदर ढंग से व्यक्त कर रहे हैं, क्योंकि भगवान सभी जीवों के प्रिय हैं, अंतर्जामी हैं और कंट्रोलर हैं और हितकारी हैं। इसमें कितना प्रिय आत्मा ईश्वर सुहृद, चार विशेषण बता रहे हैं। तो कुछ बच्चों ने कहा कि ननु भोगोद्यम कथम त्याज्य, तो क्या संसार में खाने पीने या सुखी होने के जितने भी काम धंधे हैं सब छोड़ दिया जाए? तो प्रह्लाद महाराज कहते हैं वो तो नहीं भी करोगे तब भी अपने आप मिलेगा। अरे सुखम ऐन्द्रियकम दैत्या देह योगेन देहिनां सर्वत्र लभ्यते दैव जथा दुखम अजत्नत। जिस प्रकार से देहधारी जीव को जब देह धारण किया है तो उसके कर्मानुसार दैव के विधान अनुसार अयत्नत बिना प्रयास के, बिना किसी उद्योग के, व्यापार के ही दुख मिलते रहते हैं, है ना? जथा दुखम अजत्नत, संसार में अपने आप दुख की प्राप्ति हो रही है, कभी प्रयास नहीं किए होंगे। कोई भी व्यक्ति क्या कभी ऐसा सोचता है कि मैं बहुत दिन हेल्दी रह गया, अब थोड़ा सा कलरा होना चाहिए और कुछ कफ बढ़ना चाहिए, खांसी होनी चाहिए, चाहता है? या कभी चाहता है कि बहुत दिन तक हम पर कोई ट्रैफिक पुलिस ने कोई टिकट नहीं दिया, अब देता तो ठीक होता है? कभी नहीं चाहता है, लेकिन मिल जाता है बिना प्रयास के। बीमार हो जाता है आदमी, धन हानि होती है, स्वजन की मृत्यु हो जाती है, और भी कई प्रकार की क्षति होती है बिना प्रयास। तो जथा दुखम अयत्नतः, जैसे बिना यत्न के दुख प्राप्त होते हैं, उसी तरह से ऐन्द्रियकम सुखम, इंद्रियों को मिलने वाला सुख भी बिना प्रयास के ही मिलेगा, वो लिखा हुआ है। और वास्तव में ये तो हम लोगों का रियलाइजेशन है कि कोई कितना भी कार्य करे जो लिखा गया है वही मिलेगा,
जो ललाट में लिख दिया है विधाता ने पूर्व कर्मानुसार, पहले के कर्म के अनुसार आदमी कुछ भी कर्म करे मिलेगा वही, और कम करे तब भी वही मिलेगा, यही निश्चित है। संस्कृत का श्लोक है माँ धाव माँ धाव, धाव मत इतना व्यग्र मत बनो, जितना लिखा है उतना ही मिलेगा। तो उदाहरण दे रहा है कि अगर दौड़ने से इधर उधर धावन करने से कुछ मिल जाए, तो कुत्ता जब भी चलता है तो दौड़ कर चलता है, तो क्या वो बहुत धनी हो गया है? देखे हैं भारतवर्ष में कुत्ता, कुत्ता धीरे धीरे कब बहुत कम चलते हैं, वो चलता है तो दौड़ते हुए चलता है। दौड़ने से क्या हो गया? दौड़ करके चलता है, लेकिन अपने लिए कुटीर भी नहीं होता है, खाने का ठिकाना नहीं होता, पहनने का तो कोई प्रश्न ही नहीं। और इधर अमेरिका में कुत्ता बिना दौड़े बंधे रहते हैं, फिर भी कई प्रकार के पोशाक पहनते हैं। कुत्तों के लिए अलग फूड स्टोर है, उनके पहनने के लिए पोशाक भी अलग अलग। तो बैठे है चुपचाप, लिखा है ललाट में तो आएगा। और इंडिया में कुत्ते दिन भर घूमते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, लेकिन भर पेट भोजन नहीं मिल पाता, दौड़ने से क्या है? तो सुखम ऐन्द्रियकम दैत्य है दैत्य देह योगे न देही नाम, देही नाम देही कहते हैं जीव को, जो देह वाला है। जब भगवान देह देते हैं किसी को, तो देह में क्या क्या खाएगा, क्या पहनेगा, कब भूख लगेगी, कब सोएगा, कब क्या होगा, वो उसी दिन लिख दिया जाता है जिस दिन देह दिया जाता है, और किस दिन शरीर छूट जाएगा उसी दिन सब लिखा जाता है। जिस प्रकार हम लोग फ्लाइट से आते हैं या ट्रेन का रिजर्वेशन कराते हैं, तो जिस दिन रिजर्वेशन लेते हैं उसी दिन लिखा जाता है कहाँ उतरना है ना, उसी दिन लिखा जाता है। ऐसा नहीं कि फ्लाइट में चढ़ने के बाद पूछा जाए कि कहाँ उतरोगे, ऐसी बात नहीं है, उसी दिन निश्चित कर दिया जाता है। और क्या खाएंगे वो सब, ऐसे वो लोग पूछते हैं कि वेजिटेरियन है कि नॉन वेज खाते हैं, क्या करते हैं, लेकिन हमारे कर्मानुसार हमारी इच्छा अनुसार उसी दिन लिख देते हैं। और वो लिखा हुआ वो नंबर भी सीट रहता है, वो आता है। जो लिखा गया, लेकिन लिखा गया हमारे कर्मानुसार, स्वतंत्र रूप से नहीं लिखा गया कि आपको खाना ही पड़ेगा, इन हमारे कर्म को देखकर स्वभाव को लिखा गया है और समय पर आएगा। अब कोई व्यक्ति फ्लाइट में बैठे और सोचे कि खाना कहाँ से आएगा, कुकिंग करना चाहिए, चूल्हा जलाना चाहिए, तो मर जाएंगे खाने बिना, तो चिंता मत कीजिए, वो सब लिखा गया है, इसको देह जो कहते हैं। जब देह भगवान दिए है तो देह की आवश्यकता क्या क्या, कब खाना पीना है, तो उसी तरह से फ्लाइट जोग है, वायुयान जोग, अगर उसमें बैठे हैं तो शुरू में एयरपोर्ट पर ही सब ले लिया गया है, क्योंकि बीच में कुकिंग नहीं किया जाएगा, ले लिया गया अलग अलग, गिन कर इतने लोग हैं तो इतना ये चीज चाहिए, इतना ये चीज चाहिए, इतना ये चीज चाहिए, है ना सब। और उसमें नॉन वेज वेज, हमसे लोग पूछते हैं आप वेजिटेरियन है, मैं कहा नहीं नहीं मैं फ्लाइट में वेजिटेरियन नहीं रहता हूँ, केवल फलाहार। वेजिटेरियन नहीं, कुकिंग किया हुआ कोई सामान नहीं खाता हूँ, हमने नियम बनाया है नहीं कोई कुक्ड पदार्थ नहीं, फल। तो वो लिखा रहता फार्म भर कर देने वाले देते हैं, तो विमान परिचारिकाएं फल लाती। तो इस तरह से जिस दिन शरीर विधाता दिया है उसी दिन लिख दिया गया है, कितना डॉलर मिलेगा, कैसा घर मिलेगा, कैसी पत्नी मिलेगी, कितने बच्चे होंगे, क्या सुख क्या दुख मिलेगा। इसलिए उसके लिए व्यर्थ प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है, मिलेगा। सुखम ऐन्द्रिय कम दैत्य, इंद्रियों का सुख भी मिलेगा है दैत्य, जब देह मिला है तो देह के अनुसार सब कुछ मिलेगा। अरे और तो और, जब सरकार पकड़ कर किसी को जेल में ले जाती है तो कैदी भी चिंता नहीं करते हैं, वहां वो भोजन मिलेगा है ना। और वो सब कैदी सोचने लगे कि हम कैसे खाएंगे क्या करेंगे, तो कर क्या सकते हैं,
लेकिन सरकार पहले से सब कोटा बांध दे, इतने कैदी हैं तो उनके लिए इतना चना गुड़, मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, ये चाहिए वो चाहिए ये चाहिए, इतना साबुन ये वो, पहले से चिंता करते हैं। और बल्कि वास्तव में कारागृह में लोग ज्यादा निश्चिंत रहते समय पर भोजन देती है सरकार, भले कम दे लेकिन देती है। तो उस तरह से भगवान ने जन्म दिया है तो सब कुछ मिलेगा, तो इसलिए तत् प्रयासो न कर्तव्यो जत आयुर्व्यय करण, इसलिए इस इंद्रिय के भोगों के लिए काम नहीं करना चाहिए, प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें परम केवलम आयु का व्यय मात्र होता है फालतू। जो वस्तु मिलेगी ही उसके लिए इतना प्रयास क्या करना है उसमें तो आयु के जो दिन है वो बेकार खर्च होते हैं, वो उन कामों में आयु का दिन न लगा करके भगवान के भजन में लगाना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। और वैसे देखिए छुट्टी के दिन में अगर मान लीजिए काम धंधा के दिन में कोई ना करे भजन उतना, तो वीकेंड में तो करना चाहिए ना, और उसमें मेमोरियल डे पड़ जाए तो ऐसा नहीं कि मेमोरियल डे पड़ गया 3 दिन की छुट्टी हो तो डिज्नीलैंड चल दी बेकार जीवन बिताने के। तो भगवान के भजन में रहना चाहिए। एक भक्त ने कहा कि एक दिन की हम लोगों का तो वास्तविक मेमोरियल डे ये है, यही वास्तव में मेमोरियल डे, सविता ने कहा था कि हम लोगों का वास्तविक मेमोरियल डे है, इन दिनों में भगवान की गाते सुनना, रेगुलर भजन करना, मंदिर आना, यही वास्तव में स्मरणीय दिन है, तो यही है मेमोरियल डे। जैसे शायद किसी युद्ध में मेमोरियल डेज होगा, एक ही दिन नहीं, वो याद करेगा देखो कितना अच्छा समय था बीता। तो जैसे भी हो, चाहे आदमी हार्ड परिश्रम करे, माया में रहे या भगवान की भक्ति करे, दिन तो बीत ही जाते हैं, तो बहुत अधिक परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है, भगवान के भक्ति में परिश्रम करना चाहिए। और करे, एक बार प्रभुपाद जी से पूछा गया कि तो क्या बिल्कुल काम न किया जाए, तो प्रभुपाद जी कहे कि मान लो तुम्हारा कोई पार्सल पोस्ट ऑफिस में आया है, कोई भेज रहा है, तू जहां से भेज रहा है वहां जा करके और ट्रेन को देखना, ट्रक को देखना कैसे चल रहा है, ये करने की जरूरत नहीं है। हाँ, पोस्ट ऑफिस में जाकर छुड़ाने भर काम करना है बस कोई आदमी सोचे कि जहां से भेजा गया वहां से देखूंगा कैसे कैसे आ रहा है, कहां उतारा जा रहा है, क्या हो रहा है, वो तो बेकार करेगा ना, उससे तो कोई फायदा नहीं होगा। हम लोगों की चिट्ठी आती है तो क्या हम लोग कभी ये चेष्टा की है कैसे कैसे आ रहा है ये जरा देख लें? एक चिट्ठी देखने के लिए इंडिया से अमेरिका आएंगे, यहां से एक चिट्ठी जा रही है तो आकर के देखो, ये करो वो करो। तो उसी तरह से भोगों के लिए जो अथक प्रयास है वो व्यर्थ है, वास्तव में वो तो आएगा। इसलिए काम कितना करना है, पोस्ट ऑफिस में जाकर अपना पार्सल छुड़ा लाना, बस इतना ही करना है, वो तो आएगा, आया हुआ है। वास्तव में इस देश में जितना लोग काम कर रहे हैं, इस प्रकार की बातें समझ पाना बड़ा कठिन है। आदमी सोचे कि भाई आखिर क्या स्टैंडर्ड है, कितना करें, कुछ तो करना पड़ेगा, और कितना करें। जो भी है सेंस यह है कि पर्याप्त समय निकालकर भगवान कृष्ण की भक्ति जरूर करनी चाहिए, और बाकी और जितना से हमारा काम चल जाए ठीक से, सर्वाइवल हो, ऋण ना रहे, और परिवार का काम चल जाए ठीक से, शरीर का चल जाए, और आगे भगवान पर भरोसा रखना चाहिए, बहुत व्यग्र नहीं रहना चाहिए कि इतना जमा कर लूं, ये कर लूं, वो कर लूं, ऐसे कर लूं,
चले इस तरह से वर्तमान में आगे भगवान हैं, यही भगवान आगे भी रहेंगे, बदलेंगे नहीं कि तरह भूल जाएंगे या सो जाएंगे या निग्लेक्ट कर देंगे। भगवान सब करते हैं, वास्तव में विश्वास करना चाहिए और अधिक से अधिक समय बचा करके हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो तत्प्रयासो न कर्तव्य, प्रहलाद जी कहते हैं प्रयास करना ही नहीं चाहिए भोगों के लिए, नहीं केवल व्यर्थ आयु बीतती है। और न तथा विन्दते क्षेम मुकुंद चरणान भुजम, और वैसा करने से, बहुत अधिक परिश्रम करने से, समय बिताने से कल्याण की प्राप्ति नहीं होगी। कल्याण क्या है? मुकुंद चरणान भुजम, भगवान कृष्ण नहीं मिलेंगे। आखिर हम संसार के भोगों के लिए काम करें या भगवान को पाने के लिए काम करें? तो जब भगवान को पाने के लिए काम करेंगे, भागवत पढ़ेंगे सुनेंगे, भगवान की सेवा करेंगे, जप करेंगे, भक्तों का संग करेंगे, तब कृष्ण मिलेंगे। और ऐसे भोगों के लिए काम करने पर न तथा बिंदते क्षेम मुकुंद चरणाम्बुजम, तेना प्रकारेण क्षेमम न बिंदते, क्षेमत्व में वाह क्षेम ही बता रहे, मुकुंद चरणाम्बुजम यही क्षेम है, यही जीव का सबसे बड़ा हित है भगवान कृष्ण। तो इनको प्राप्त करने के कुछ उपाय है, वही करना चाहिए। वो उपाय है भागवत धर्म, वही नौ विधा भक्ति जो पहले कही गई थी। तो ततो जतेत कुशल क्षेमाय भयमाश्रित शरीरम पौरुषं जावन्न विपद्येत पुष्कलं। अतः कुशल, कुशल का अर्थ है जो सब असत्य से सत्य को निकाल सकता है। क्या झूठ है, क्या सत्य है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या उपयोगी है, क्या अनुपयोगी है, क्या लाभ है, क्या हानि है, इसको जो ठीक से समझता है उसको कुशल व्यक्ति कहते हैं, एक्सपर्ट। तो जो कुशल व्यक्ति है, समझदार है, उसको जानना चाहिए कि वह जन्म मरण में संसार के आश्रित है, मैटेरियल जगत में है। बहुत भय की स्थिति है वास्तव में यहाँ पर। चाहे कितना भी धन हो जाए, कितना भी सुंदर शरीर हो, कुछ भी हो, लेकिन यह भयम आश्रित, यह संसार है, यह भवम या भयम भी पाठ भेद है। हम संसार में हैं, जन्म मृत्यु वाले संसार में हैं। धनी है तो क्या वो नहीं मरेगा? क्या जमराज जी गरीबों को ही छंट छंट कर मारते हैं, धनी नहीं मरे क्या? तो क्या यह स्थिति करेगी? आज बिलियन डॉलर हो, करोड़ों अरबों खरबों डॉलर हो, फिर भी वो लोग मर जाते हैं, दूसरा भवन छोड़कर मर जाते हैं, फिर दूसरा जन्म होता है। तो बहुत खतरनाक स्थिति में जीव पड़ा हुआ है, इस संसार में आश्रित हुआ है। रहना चाहिए उसे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, लेकिन रह रहा है मैटेरियल वर्ल्ड में, जहां जन्म है, मृत्यु है, बुढ़ापा है, रोग है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि क्षेमाया जते तो अपने हित के लिए, नित्य जीवन प्राप्त करने के लिए यत्न करे, काम करे, खूब जम कर। काम करने का मतलब जप आदि खूब करे, यह अर्थ है। भागवत धर्म का आचरण करे। और कब तक कर ले? जावत पुष्कलम शरीरम न विपद्येत, जब तक यह स्वस्थ शरीर विपत्ति में नहीं पड़ जाता है। एक दिन यह शरीर विपत्ति में पड़ेगा। आज तो बैठ रहा है, चल रहा है, लेकिन एक दिन ऐसा समय आएगा कि बैठ नहीं सकता है, बोल नहीं सकता, चल नहीं सकता, खा नहीं सकता। सबके शरीर की यह दशा होगी। एक दिन जो बच्चा रहता है वही जवान होता है, और जवान ही बूढ़ा होता है। ऐसा नहीं है कि बूढ़े जन्म लेते हैं। जवान लोग सोच सकते हैं जितने बूढ़े हैं वो बूढ़े ही जन्म लिए होंगे, ऐसा नहीं है। जवान ही एक दिन बूढ़े होते हैं, और बूढ़े होने का मतलब है शरीर की सारी शक्ति नष्ट हो जाती। कबड्डी खेलने वाला व्यक्ति, क्रिकेट खेलने वाला एक दिन खड़ा नहीं हो सकता है, ऐसी दशा होती है। मुख से बोली नहीं निकलती है तो सुत ही बुलावत करते ममता तुम गई मेरे मन, अपने पुत्र को ही हाथ के इशारे से बुलाना पड़ता है, बोली नहीं निकलती।
सिर कांपता है, हाथ कांपता है, इसको विपत्ति कहते हैं। तो जब तक शरीर पुष्कल है, समस्त इंद्रिय शक्तियों से युक्त है, तब तक जत्न कर लेना चाहिए। तो शरीर जब कमजोर हो जाएगा, विपत्ति में पड़ जाएगा, किसी महारोग से ग्रस्त हो जाएगा, तो क्या कर पाएंगे? उस समय नहीं हो पाएगा। इसलिए शरीर जब तक स्वस्थ है, तब तक क्षेम के लिए, मतलब जन्म मृत्यु से मुक्त होने के लिए, भगवान कृष्ण को पाने के लिए प्रयास कर लेना चाहिए। यही समय है, वास्तव में सबसे सुंदर, सबसे अनुकूल और बेस्ट समय यही है भक्ति का, जब ज्ञान हो जीव को। ये तो आगे जब बुढ़ापा आएगी, और बुढ़ापा का ही भय नहीं है, बहुत प्रकार के सामाजिक स्थिति, पॉलिटिकल सिचुएशन, कई तरह का भय है कि पता नहीं आगे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। समाज में बड़े बड़े दंगे होते हैं, कई प्रकार के विघटन होते हैं, या परिवार में ही कुछ लोग विरुद्ध हो जाते हैं, या परिवार में किसी का मरण हो जाता है, या शरीर ही अपना रोगी हो जाए, कुछ हो जाए। आज तो बहुत अनुकूल स्थिति है, भगवान की कृपा से, प्रभुपाद जी की कृपा से, कृष्ण भावना का ऐसा सुंदर प्रचार है, मंदिर है, भक्त हैं, सब हैं। तो इस समय नहीं कर पाएंगे तो कब कर पाएंगे? एक बहुत अच्छा अवसर। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं, जब तक शरीर विपत्ति में नहीं पड़ जाता है, अक्षम नहीं हो जाता, सामर्थ्य नहीं खो देता है, उसके पहले ही कर लेना चाहिए भजन। किस प्रकार से आयु का व्यर्थ नाश होता है, क्रम बता रहे हैं। 300 वर्ष सतम यायुष तदर्धम चाजितात्मनः। वैसे मनुष्य की आयु 100 वर्ष की मानी गई है, पुरुषों 300 वर्ष सतम आयु, 100 वर्ष की आयु होते है। लेकिन उसमें अजितेंद्रिय व्यक्ति की, जो इंद्रियों के वश में है, उसका आधा जीवन 50 वर्ष तो केवल निष्फल बीत जाता है, क्योंकि जब सब रात्र्याम सेते अंधम प्राप्त स्तम, क्योंकि वो रात्रि में सोता है। 12 घंटे का दिन होता है, 12 घंटे की रात होती है, तो 50 वर्ष तो उसका सोने में चला गया, आधी उम्र सोने में बीत जाती है। सूर्यास्त होते ही कुछ लोग नहीं सो जाते हैं, बाद में सोते हैं, लेकिन सूर्योदय के बाद भी तो सोते रहते हैं, इसीलिए 12 घंटा ही लिया गया है, तो वो सोते रहते हैं। या कोई जगते भी हैं तो सिनेमा वगैरह देखते हैं, भजन नहीं करते हैं, वो भी सोने के समान ही बेकार माना जाएगा। 50 वर्ष तो उनका सोने में गया, और बचपन में आदमी ज्यादा सोता है, तो सब मिलाकर के आधा जो हिसाब बैठा रहे हैं प्रहलाद महाराज, वो ठीक कर रहे हैं। तदर्धम अजितात्मा व्यक्ति की, जिसका मन बस में नहीं है, इंद्रिया बस में नहीं है, तो आधी उम्र तो सोने में बीत जाती है रात्रि में। और सोते समय क्या स्थिति होती है, अंधम तम घोर अज्ञान जी पड़ जाते हैं, न अपने ऑफिस का ध्यान होता है, न घर के काम धंधा का, न अपना कुछ है, सब कुछ भूल जाता है, और प्रतिदिन यह स्थिति होती है। श्रीमद् भागवतम में जब वसुदेव जी कंस को समझा रहे हैं, तो कंस कह रहा है, कैसे मैं मानूं कि शरीर छूट जाता है? तो वसुदेव जी कहते हैं, तुम सोते हो ना रोज? तो कहा कि हाँ। तो सोते हो तो सोते समय तुम भूल जाते हो कि नहीं शरीर को? निश्चित। तो एक दिन ऐसा समय आता है कि ऐसा भूलते हैं कि फिर इस शरीर की याद नहीं करते हैं, उसी को तो मरण कहते हैं। अभी रोज 8-8 घंटा मरमर करके जग जाते हैं, खूब बेड लगाकर, तकिया लगाकर के मरने जाते हैं, खूब आराम से कि भूल जाए, सब कुछ भूल जाए, भूलने के लिए जाते हैं ना। और कदाचित मान लीजिए जो व्यक्ति 24 घंटे में 8 घंटा भूल रहा है, इस तरह से देह को पूरा काम धंधा 8 घंटा भूला, और कदाचित मान लीजिए वो 90 वर्ष जिया है, तो 30 साल तक वो जोड़ दिया जाए एक जगह, तो अखंड 30 वर्ष तक वो सोता रहे, है कि नहीं? किसी आदमी को 30 साल तक कोठरी में ऐसे कोई छोड़ दे सोते सोते,
और दूसरा जग करके देखिए बाप रे बाप कितना सो रहा है, कितना सो रहा है। और जबकि प्रत्येक आदमी इतना सोया, या 75 साल मान लीजिए जिए तो 25 साल सोए, और 50 साल जगे भी तो और क्या किए। लेकिन प्रहलाद महाराज तो 8 घंटा ही नहीं 12 घंटा कह रहे हैं सो करके बिताता है, तो 50 साल तो ऐसे गया। तो जैसे हम 8 घंटा 6 घंटा शरीर को भूल जाते हैं, तो एक दिन ऐसा समय आता है कि ऐसे आत्मा शरीर को भूलता है कि इसकी याद नहीं आती है। कंस कहा ठीक है, मैं समझ गया मरण कैसे होता है, तो जन्म कैसे होता है। तो वसुदेव जी समझा रहे हैं कि सपना देखते हो ना, तो उसने कहा हाँ। तो सपना देखते समय इस शरीर को तो जीव भूला रहता है, एक भिन्न शरीर की याद करता है कि मैं यह हूं, मैं यह हूं, मैं वो हूं। तो कदाचित यह शरीर कोई भूल जाए और सपना वाला शरीर में ही सदा के लिए रह जाए, तो वही तो जन्म है। इस शरीर को भूल गया, आत्यंतिक विस्मरण हो गया, और दूसरे शरीर में अहम भाव हो गया, अभिनिवेश हो गया, यही तो जन्म है। तो वास्तव में देखा जाए तो जीव की जो शयन की अवस्था है, यह लौकिक दृष्टि से या पारलौकिक दृष्टि से सब तरह से बेकार दशा है। सोने से क्या फायदा है, इसलिए प्रहलाद महाराज कहते निष्फलम से, जो कोई फल नहीं। कोई अगर यह कहेगा अरे नहीं फ्रेश हो जाता है जी फिर काम करने में उत्साह होता है, ये होता है, लेकिन ऐसा देखा गया है कि कुछ लोग बहुत कम सोते हैं, नहीं भी सोते हैं, फिर भी और लोगों से ज्यादा काम करते हैं, ये देखा गया है। भक्ति विनोद ठाकुर केवल 2.5 घंटा सोते थे, 8 बजे सोते थे और 10:30 बजे बैठ जाते थे पुस्तक लिखने के लिए। श्रील प्रभुपाद जी बहुत कम सोते थे, रात में ग्रंथ लिखते थे। सद गोस्वामी हमारे संप्रदाय में वो तो बिल्कुल नहीं सोते थे, कभी किसी दिन सोए तो 1 घंटा और आधा घंटा, मतलब 1.5 घंटा मैक्सिमम, और किसी किसी दिन वो भी नहीं सोते थे। और कितना बड़ा दान दिया है उन लोगों ने, भक्ति रसामृत सिंधु, बृहद भागवतामृत, चैतन्य चरितामृत जैसा ग्रंथ रत्न दिया जीव गोस्वामी ने, क्या दिया। और हम लोगों को तो सोने की प्रचुर व्यवस्था है, कंप्यूटर भी है, कुछ नहीं दे पाए संसार को, है ना। वो लोग कितनी तपस्या किए, कितना दान दिए वास्तव में, तो कष्ट सहकर। तो मनुष्य की 100 वर्ष की आयु होती है तो उसमें आधी जिंदगी तो सोने में बीत जाती है। सोना बहुत अनिवार्य जादू मानता है, सोने के लिए कितने लोग बहुत खर्च करते हैं। इस शहर में गए और इधर उधर खा लिए, लेकिन सोने के लिए रात भर में 1,000-2,000 रुपया देकर के चले जाते हैं, केवल सोने भर के लिए, खाना नहीं मिलता है। एक बार हमें याद है, हमारी संस्था के एक सन्यासी हम लोगों को लेकर के गए थे लखनऊ, उसने वहां सेंटर नहीं था, जैसे बस से हम लोग गए थे अयोध्या लौट रहे थे तो रात हो गई। कहाँ सोएंगे कहाँ सोएंगे, तो एक होटल में गए, तो वहां भोजन वोजन का कोई प्रबंध नहीं था, खाने लायक हम लोगों का था नहीं, तो कोई खाए नहीं, तो सोएंगे केवल तो सोने के लिए 14-14 रुपया सबको लगा उस समय। यदि यहाँ यह सुनने में बहुत कम लगेगा कि ये, लेकिन मैं उस समय सोच रहा था, हम लोग कई भक्त थे, एक हाल दिया गया था तो सबको जोड़ करके समवेत रूप से पैसा लिया, तो एक व्यक्ति पर 14 रुपए पड़ रहे सोने के लिए, इस शरीर को भूलने के लिए, अज्ञान में जाने के लिए 14 रुपए देना तो कुछ लोग तो 50,000 रुपए दे देते सोने के लिए, कुछ खाने के लिए, कुछ इंद्रिय तृप्ति के लिए। ये सोना बेकार। अच्छा, 50 वर्ष तो सोने में बीत जाता है। मुग्धस्य बाल्ये कैशोरे कृतो जाति विंशति, मुग्धस्य बाल्ये, और बचपन में तो मुग्धता में, अज्ञान में और खेलने में, किशोर अवस्था में 20 वर्ष ऐसे चला जाता है। आप जरा हिसाब जोड़ते जाइएगा, 50 साल सोने में गया
और खेलने में और मुग्ध अवस्था में बचपन में 20 साल वैसे चला गया। ऐसे हिसाब जोड़ने में लगेगा कि 20 साल कहां से गया, उसमें से 10 साल तो सोने वाला काटा जाएगा। लेकिन वो सोना और सब मिलाकर 20 साल ऐसे गया। और जरया ग्रस्त देहस्य और जीवन के अंतिम 20 वर्षों को क्या जिंदगी में गिना जाएगा। जरा से बुढ़ापा से ग्रस्त देह अकल्प हो जाता, असमर्थ हो जाता है, उसमें वो कुछ कर नहीं सकता। यदि कोई व्यक्ति बूढ़ा आदमी स्वयं ही बाथरूम में चला जाता है तो घर के लोग कहते हैं अभी तो बहुत अच्छे हैं, अपने आप लैट्रिन में चले जाते हैं, किसी को पकड़ना नहीं पड़ता है, बहुत भारी पुरुषार्थ साध लेते हैं। अगर उनको कोई पकड़ कर न ले जाए बाथरूम में तो लोग मानेंगे कि वो बहुत अच्छा है। तो 20 वर्ष तक तो केवल किसी तरह शौच पेशाब कर ले, चल ले, खा ले, इतना ही भर करेगा, भजन क्या करेगा। जानते हैं कौन लोग बुढ़ापा में भजन कर लेते हैं, जो पहले से किए रहते हैं। नहीं तो बुढ़ापा में भजन करना बहुत कठिन है। पहले से किए रहते हैं, शरीर को अभ्यास हो जाता है, इसीलिए वो करते जाते हैं करते जाते हैं। तो 20 साल खेलने में चला गया और 20 साल तो केवल रोग आदि भोगने में बुढ़ापा, तो 20 साल ले गया, 20 साल हो गया, 50 साल हो गया, तो 10 साल बचा, 10 साल केवल बचा। वो 10 साल में क्या होता है, 10 साल को अथवा बचपन और उस बचपन के 10 साल को और काट लीजिए, 20 साल जी हाँ वैसे, लेकिन ठीक है 30 साल ही मान लीजिए, तो 70 साल तो गया बेकार, 30 साल बचा जवानी का। तो उसमें दुरा पुरेण कामे न मोहे न च बलियसा शेषम गृहे सुसक्तस्य प्रमत्तस्य आपयाति। तो उस समय जवानी में दुरापुर काम, विविध कामनाएं उठती हैं, ये कमा लूं, ये करूं, ये करूं, वो करूं, ये करूं, और ऐसी कामनाएं भीषण आग की तरह होती हैं कि दुख से भी पूरा नहीं की जा सकती। जितनी लालसा जीव को होती है क्या वो पूरी होती है। अब देखिए किसी की कितनी कामना होगी। कल मैं एक स्टोर हाउस में गया था, बहुत बड़े स्टोर हाउस में, अरे अमेरिका का वो कोई बहुत बड़ा स्टोर हाउस नहीं था लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ा था, जिसमें विविध सामान बिक रहे थे। तो मैं देखा तो इतनी चीजें, इतनी वैरायटी, तो मैं सोचा कि इसको देख करके लोगों को लालसा उत्पन्न हो जाती होगी कि ये खरीदे, वो खरीदे, ये खरीदे, वो खरीदे। और जो व्यक्ति इसको नहीं देखा है तो उसको कोई इसकी इच्छा नहीं उत्पन्न होती। तो जवानी में व्यक्ति को बहुत बहुत कामनाएं उत्पन्न होती हैं, धन के और भी बहुत, सम्मान के, पॉलिटिकल पोस्ट के, खेल कूद की कामनाएं, स्पोर्ट की कामनाएं, बहुत बहुत कामनाएं उत्पन्न होती हैं। और कोई कामनाएं पूरी नहीं हो पाती है, क्योंकि जब ही आप पूरा करेंगे और बढ़ जाएगी। तो 30 साल तो काम को पूरा करने में और मोह में बीत जाता है। मोह का मतलब मैं ये हूं, मैं वो हूं, ये मेरा है। तो इस तरह गृहेषु सक्तस्य, घर गृहस्थी के कामों में आसक्ति होती है और भजन में परमत्तस्य। भगवान के स्मरण में बिल्कुल लापरवाही रहती है, कोई ध्यान नहीं, और गृहस्थी में आसक्ति होती है, विविध कामनाएं हृदय में उठती हैं, इसी में उसका जीवन बीत जाता है, भजन कर नहीं पाता। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि जवानी आने से पहले भजन करो, नहीं तो बहुत बड़ी बाधाएं आएगी। अभी तो कोई कामना नहीं, कामना केवल खेलने की है, तो केवल खेलना रोक करके और हरे कृष्ण करो तो पार हो जाओगे। लेकिन ये सोचो कि जवानी में भजन करेंगे तो बहुत मुश्किल है, वो बहुत खतरनाक टाइम, उस समय नहीं कर पाओगे। हमने देखा है, भारतवर्ष की बात कह रहा हूं,
कलकत्ता या बॉम्बे बड़े बड़े शहरों में दिन के समय बहुत सी कारें चलती हैं, बसें चलती हैं और सब बहुत बहुत रिक्शा चलते हैं, ऑटो रिक्शा वगैरह सब। तो ट्रक जो होते हैं उनको नगर कारपोरेशन अलाउ नहीं करता दिन में चलने का। लगभग 12 बजे के बाद भोर में उनको लाइन दिया जाता है, तो केवल ट्रक 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 पार करते हैं। उसने देखा गया है, क्योंकि और सब लोग अपने अपने घरों में सो जाते हैं, तो कार वाले बस वाले सब कुछ बंद हो जाता है, कोई कोई एक आध जाता है। लेकिन अब ट्रकों की बारी आती है, तो उस तरह से मैं इस दृष्टांत को इसलिए कह रहा हूं कि जवानी का दिन जो है वो दिन जैसा है, दिन जैसा। उस समय कोई ले जाना चाहे अपने ट्रक, तो वो ट्रैफिक पुलिस नहीं ले जाना, नहीं आप नहीं ले जा सकते। लेकिन जब सो जाते हैं सब लोग, तब ट्रकों को अवसर दिया जाता है। तो जिस समय कामनाएं हृदय में भर जाएंगी, वो कामनाएं हमारे हृदय को प्रेरित करेंगे, इंद्रियों को प्रेरित करेंगे, ये करो ये करो, यहाँ जाओ ये करो, तो उस समय हम क्या भजन कर पाएंगे। इसलिए जब तक कामनाएं उठी नहीं है, बचपन शरीर है, उसी समय भजन करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम। तो प्रहलाद महाराज जो शुरू में कहे कि कौमार आचरित प्राज्ञ, उसी को पुष्ट कर रहे हैं, क्यों कुमार अवस्था में करें। तो कोई यह कहे कि अरे भाई आखिर संसार में ये भी जरूरी है, कुछ लोगों से स्नेह बढ़ा करके बाद में भगवान की भक्ति कर सकते हैं, कुछ धन कमा लें जिंदगी भर खाने पीने के लिए, तो इसके बाद करते रहेंगे भजन। प्रहलाद महाराज कहते नहीं 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 कर पाओगे, उस समय नहीं कर पाओगे, इसी समय करो। उसको कहते हैं को गृहे सुपमान सत्तम आत्मानं वजितेन्द्रिया स्नेह पाशर दृढ़ बद्धम उत्साहित विमोचितम। कौन ऐसा व्यक्ति है जो है अजितेंद्रिय, जिसका मन और इंद्रिय वश में नहीं है, तो वह व्यक्ति अपने को स्नेह बंधनों में बांध कर, और फिर क्या कभी सोच सकता है कि उन स्नेह बंधनों को मैं तोड़ दूं। आगे विवाह होगा तुम लोगों का, बहुत से संबंधी बढ़ेंगे, तो उस समय स्नेह कैसे तोड़ पाओगे, अभी तो बंधे नहीं हो, तो भगवान का भजन कर सकते हो। जिस समय बंध जाओगे तो उस समय कैसे उस बंधन से मुक्त होने की इच्छा भी नहीं करोगे, इच्छा भी नहीं होगी। आज किसी को आप बुरा मत मानिएगा, गृहस्थों में से किसी को कहा जाए कि छोड़िए गृहस्थी आज संन्यास बनकर चलिए वृंदावन, क्या कोई तैयार होगा। लेकिन सत्य कहता हूं, यदि बच्चों को कहा जाए कि चलो इंडिया छोड़ो, तो भी छोड़ देंगे, बच्चे चल देंगे, है ना, ये सामने सत्य है। लेकिन एक बार संबंधों में बंध करके जिम्मेवारी ले करके और फिर सोच भी नहीं सकता आदमी उसको छोड़ने, कौन है जो छोड़ने का साहस करेगा। अच्छा, ये तो संबंधियों का स्नेह है, और धन में ऐसी आसक्ति व्यक्ति की होती है कि जब धन कमा लेगा तो उस धन को कहां से छोड़ेगा। को नॉर्थ तृष्णाम विसृजित प्राणभ्य पिया इप्सित, जो धन प्राण से भी प्रिय है उस धन की तृष्णा को कौन छोड़ सकता है। जन क्रीड़ा तस भी पृष्ठ तस्कर सेवको बड़िक, जिस धन को प्राण हानि स्वीकार करके भी तस्कर सेवक और बड़िक कमाते हैं। तस्कर का अर्थ चोर, चोर दूसरे के घर में चोरी करने जाता है, धन इतना प्रिय, अपना धन अभी नहीं है, वो दूसरे का धन इतना प्रिय उसको अभी है कि उसको कमाने के लिए दूसरे के घर में जाता है। पहले भारतवर्ष में चोरी होती थी तो दीवार तोड़ करके कुछ चोर घुसते थे, उसको सेंध मारना कहते, तो दीवार तोड़ते थे चोर, तो ये सोचते थे, उनको शंका होती थी कि गृह स्वामी कहीं खड़ा ना हो भीतर तलवार लेकर के या फरसा
तो मारेगा तो मस्तक कट जाएगा। इसलिए टेस्ट करने के लिए कि वो है कि नहीं, पहले अपना पैर डालते थे उस दीवाल के छेद से, कि अगर कदाचित प्रहार भी करेगा तो पैर कटेगा, फिर भागेंगे चाहे जो कुछ भी हो। इसका मतलब है कि यह प्रिय शरीर वो देने के लिए हाजिर है, दूसरे का धन लेने के लिए चोरी, मतलब इस पैर से या देह से वो ज्यादा प्रिय है धन, और अभी अपना नहीं बना है, दूसरे का है, और वही धन जिस दिन अपना हो जाएगा क्या कोई छोड़ देगा? अब उस धन की ही हिफाजत में लगा रहेगा व्यक्ति, हिफाजत ही नहीं उसको और बढ़ाने की सोचेगा, जिस उपाय से ये बढ़े उतना ही ना रहे। ज्यादातर ये चेष्टा होती है कि बढ़े बढ़े तो फिर उसकी रक्षा करेगा कोई, कहे नहीं चलिए इधर घुमाए तो नहीं नहीं इसकी कौन हिफाजत करेगा, कौन देखभाल करेगा, इसलिए मुझे देखने दीजिए, मैं नहीं छोड़ सकता ऐसे। तो तस्कर शब्द चोर को कहते हैं। चोर जब दूसरे के घर में चोरी करता है तो शरीर की हानि भी स्वीकार करता है, और सेवक जो सिपाही सरकार की सेवा में होते हैं, सीमा पर खड़े रहते हैं या युद्ध में जाते हैं, तो जानते हैं कि शरीर युद्ध में जा सकता है, मारा जा सकता है, लेकिन फिर भी सरकार पैसा देती है, वेतन देती है, इसलिए शरीर हाजिर है मरने के लिए, पैसा के लिए शरीर को कटवाने के लिए हाजिर है, देश की सीमा पर खड़े रहते हैं। और बणिक, बणिक मतलब बड़े बड़े व्यापारी, बड़े बड़े मौका पर विदेश की यात्रा करते हैं, माल लाद करके इधर से ले जाते हैं उधर से लाते हैं, और कई बार ऐसा सुना गया है कि नौका डूब गई, तो धन कमाने के लिए चले, लेकिन कितने नाविक कितने बणिक अपना शरीर दे दिए धन के लिए, धन इतना प्रिय है। मनी जहानी बहुत मधुर है, बहुत प्रिय है, प्राण से ज्यादा प्रिय है धन। तो जिस दिन व्यापार करके या सर्विस करके जैसे भी धन कमा लोगे, तो फिर धन की इतनी आसक्ति होगी कि उसको छोड़ने की इच्छा नहीं होगी। इसलिए ये सब जाल जब तक नहीं हुआ है खूब भजन कर लो, अभी बचपन में खाली है दिमाग सब कुछ, और इस समय भगवान की भक्ति कर लो, तो कौमार आचरित प्राग्ञ। और आगे कह रहे हैं कि फिर एक सबसे भारी विपत्ति जो आएगी जीवन में, उसके आने से पहले भजन कर लो, वो क्या है? कथम प्रियाया अनुकम पिताया संगम रहस्यम रुचिरांस मंत्रा सुहृत सुचस्ने शीत शिशुना कलाक्षाणाम अनुरक्त चित्त। जिस दिन तुम लोगों की प्रिया घर में आएगी, प्रियाया अनुकम पिताया, बेचारी जब घर में आएगी, अनुकम पिता कह रहे हैं, कथम प्रियाया अनुकम पिता, जब प्रिया घर में आएगी, विवाह होगा और उसके साथ एकांत में बहुत बहुत प्रकार की जब बातें होंगी, खुद खुल करके दोनों व्यक्ति बात करेंगे स्त्री पुरुष से, और वो विविध मंत्रणा देगी, राय देगी पति को, मंत्र बहुत रुचिर मंत्र। व्यक्ति दुनिया में और किसी की राय को, परामर्श को उतना प्यार से नहीं मानता है जितना अपने पत्नी के राय को मानता है। यह सत्य है, इसलिए यहां लिखा गया है। भले गृहस्थों को एक कठोर लगे, लेकिन जो सत्य है सत्य है वास्तव में। चाणक्य पंडित भी कहीं जीवित होकर आ जाए और किसी को राय दे कि यह काम करो, तो शायद वो व्यक्ति उतना पसंद नहीं करेगा जितना स्त्री को, स्त्री की राय को पसंद करे। स्त्री कहेगी नहीं ये होना चाहिए, कहा ठीक है यही होना चाहिए। तो रुचिर मंत्रण, अरे एकांत में रच रच के बातें होंगी, और वो प्रसाद बनाकर देगी, खिलाएगी पिलाएगी, सब कुछ करेगी, सेवा करेगी, तो उसके सेवा से, उसके सौंदर्य से और उसके आकर्षण से इतना बंध जाओगे, फिर क्या तुम छोड़ने का साहस करोगे? सोचो, इस विपत्ति के आने के पहले भजन कर लो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।
प्रहलाद महाराज ये नहीं कह रहे कि विवाह मत करो, करो लेकिन करने के पहले भजन कर लो, एकदम कंप्लीट मन लग जाए भगवान में। इसी से तो बच्चे सब भक्त हो गए। अरे कथम प्रियाया अनुकम पिताया संगम रहस्यम विचरण सुमंत्रण। जिस समय अनुकंपिता तो मैं अपने पत्नी से प्रेम करोगे और वह बेचारी अपने पिता को, अपने माँ को, अपने भाई को, बहन को, सबको छोड़कर तुम्हारे घर में आएगी, तो तुम तो ऐसे ही बन जाओगी बेचारी हमको समर्पण की है, जो हमारे लिए सब कुछ छोड़ दी, माता पिता को छोड़ दी, तो मैं कैसे इसको छोड़ सकता हूँ। ये विचार तो होगा ही और स्वाभाविक भी है। वास्तव में जो पत्नी है वह समर्पण की मूर्ति है। वास्तव किस तरह भगवान को समर्पण करना चाहिए ये सीखना हो तो नारी से सीखना चाहिए, स्त्री से सीखना चाहिए। कहाँ जन्म होता है, कहाँ वो पढ़ती है, लिखती है, खाती है, पीती है पिता के पास, लेकिन एक दिन में ही सारा छोड़ करके सर्व धर्मान परित्यज्य माने कम से और समर्पण कर जाती है, और ऐसे भूल जाती है कि शायद नैहर की याद साल भर में दो चार बार आ जाए। तो शुरू में तो बहुत याद आती है लेकिन बाद में स्त्रियां भूल जाती हैं, पति के पास ही रहती हैं और बिल्कुल चर्चा भी कभी कभी नहीं करती। समर्पण इसको कहते हैं। क्या भगवान के प्रति कैसे समर्पण करना चाहिए सीखना कठिन है? कोई कठिनाई नहीं हुआ, लेकिन इस तरह से अगर कहा जाए किसी पुरुष को कि तुम सब कुछ छोड़ करके स्त्री को समर्पण करो तो बहुत कम लोग ऐसा करेंगे। पुरुषों में समर्पण नहीं होता है। ऐसे वो समर्पित हो जाते हैं जब पत्नी उनको समर्पित होती है, वो आ जाती है तो वो तो सर्वेंट ही बन जाते हैं। लेकिन वो दूसरे तरीके से तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि जब कथम प्रियाया अनुकंपिताया संगम रहस्यम, जब प्रिया घर में आएगी, मधुर मधुर बात बोलेगी, भोजन बनाएगी, कपड़ा साफ करेगी, तो उसकी मधुर बात और उसके संग को याद करके कैसे उसे छोड़ पाओगे? ऊपर से समाज कहेगा कि अरे तुमने ये किया तो अभी साधु मत बनो, निभाओ कुछ उत्साह, समाज कहेगा, और अपना हृदय ही बंध जाएगा। और इसके बाद दोनों के मिलन से जब कलाक्षर बच्चे होंगे, जब पापा मामी कहेंगे, तब तो यहाँ तो पापा भी नहीं कहते हैं ना, तो डैडी कहते हैं ना, जो भी है, तो वो बोलेंगे मधुर मधुर बात, तो उन बच्चों को क्या छोड़ने का साहस कर सकोगे? सारा समाज थूकेगा कि बच्चा उत्पन्न किया और इसको छोड़ कर क्या कर रहा है, साधु हो रहा है। तो बच्चों की ममता होगी, उनकी मधुर बोली सुनने की इच्छा करेगी, और जो संबंधियों के स्नेह का जो बंधन होगा वो तो आगे और होगा। इस तरह की बहुत सी बातें प्रहलाद महाराज कह रहे हैं और कहते हैं पुत्रानुस्मरण स्था, जो पुत्र होंगे तो पुत्रों का स्मरण करते रहोगे, बच्चियों का स्मरण करोगे, अपनी पुत्रियों का जो अपने ससुर के घर में जाएंगे तो वहाँ स्मरण होता रहता है। हम लोग इंडिया में देखे हैं कि माता पिता प्लान बनाते रहते हैं कि पुत्री को बुलाना है इस पर्व पर, उस पर्व पर, बहुत दिन हो गया उसको यहाँ आए हुए, उसकी चिंता करते हैं, हृदय में धसी रहती है बच्चियां। इसका कारण यह है कि माता पिता की वो बहुत सेवा करती है। हमने देखा है भारतवर्ष में जो बच्ची कितना हेल्प करती है अपने माँ की, विवाह हो जाने पर बेचारी चली जाती है अपने पति के घर, लेकिन जब तक माँ के साथ रहती है, माँ के कुकिंग में, भोजन बनाने में और गृह कार्य में वो बहुत सहायता करती है, जबकि पुत्र कभी नहीं करता है। ये देखा गया है बच्चियां बहुत सहायता करती है, और जब ससुराल चले जाते अपने पति के पास तो कभी कभी सुनती है कि हमारे पिताजी बीमार हैं या माँ कुछ कष्ट में है, तो वो चली आती है सेवा करने के लिए। अभी भी इस युग में भी हम लोग देखते हैं आकर के माता पिता को सहारा देती है, सेवा करती है। तो माता पिता को अपने बच्चे की बहुत याद रहती है, उस समय याद आएगी प्रहलाद महाराज कहते हैं, और भ्रातृन भाइयों की याद आएगी,
भाइयों से स्नेह बढ़ेगा, ससुर और बहनों से, पितरों से दीन, और तब तक माता पिता बूढ़े हो जाएंगे तो ये होगा कि अब इनको छोड़ करके कैसे जाए, तो केवल पाप ही लगेगा। उधर बच्चे हो गए उनका बंधन, उधर माता पिता बूढ़े हो गए उनका बंधन। तो इसलिए सबसे सुनहला समय है इस समय, सब लोग वेद बैग लो, माला लो और हरे कृष्ण जप लो, सबसे अच्छा समय यह है। सभी बच्चों ने स्वीकार कर लिया है अब, और फिर घर की याद आएगी, घर अच्छा अच्छा बना लोगे तो दूसरी जगह जाने में भी कष्ट होगा, अपने घर की याद आएगी कि कितना अच्छा फर्नीचर है, कितना मनोज्ञ परिच्छदार्थ, ये सामान है वो सामान है। दूसरे के घर में जाने पर बहुत तिरस्कार होता है साधु का, वास्तव में घर में नहीं, गृहस्थों के नहीं, आश्रमों में। आप हम लोग तो इसको भोगे हुए, आप साधु हैं और साधु होकर अपना आश्रम लेकर कहीं साधु के आश्रम में जाइए, वहां बैठे तो कहते उधर उधर आश्रम लगाओ, वहां आश्रम लगाओ, इधर नहीं, खाली जगह नहीं। गृहस्थ लोग तो फिर भी बहुत आदर करते हैं, यहाँ ठहरिए वहां ठहरिए, लेकिन साधुओं में किसी तरह कुत्ते जैसे प्रसाद मिल जाए यही काफी होता है, और वो भी कोई बुलाता नहीं, घंटी बजती है, जिसको खाना है खाए, नहीं तो कहते हैं कि दाल का चूका बंदर और पंगत का चूका साधु, दोनों गए। जिस समय पंगत चल रही है आप चिंता करके बैठी है, अगर साधु खा रहे उस समय नहीं गए तो फिर राम राम कीजिए अगले दिन के लिए, दोपहर तक फिर अब कुछ नहीं मिलेगा। तो जब कोई व्यक्ति साधु हो जाता है और मान लीजिए उसका बहुत अच्छा घर रहा है, जब तिरस्कार होगा तो उसे याद आएगा, अरे कितना हमारा अच्छा घर है, बेकार इन लोगों ने मैं याद है। तो प्रहलाद महाराज ये कह रहे हैं कि मनोज्ञ गृह की याद आएगी, और गृह में जो बहुत सी वस्तुएं हैं परिच्छद, बहुत प्रकार के सुखद चीजें, उनकी याद आएगी। तो उस समय उस सुख को भोगने में रहोगे कि तुम भजन करोगे, इसलिए सबसे अच्छा है बचपन में भजन कर लो, यही समय सबसे अच्छा है, फ्री समय है, दिमाग खाली है, भगवान में लग सकता है। इस प्रकार प्रहलाद महाराज आगे भी बहुत सी बातें बता रहे हैं, तो इसकी व्याख्या कल होगी। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है जी? अहम भाव अहम का दोनों एक ही है, कोई फर्क नहीं है। मैं हूं तो जब अपने स्वरूप से भिन्न देह में अहम भाव या अहंकार होता है तो उसी को अहम कहते हैं, अहंकार। लेकिन जब यह भाव होता है कि मैं कृष्ण का नित्य दास हूं, अपने स्वरूप के अनुसार भावना होती है, तो इसको शुद्ध अहम कहते हैं। जैसे लोग कहता जी इस अहंकार की हमेशा व्याख्या के इसका ट्रांसलेशन के फाल्स ईगो, ईगो होना चाहिए जीव में, ईगो है कि हम कृष्ण के नित्य दास हैं, लेकिन देह को माया मानना ये फाल्स ईगो है, ये उचित नहीं है, स्वरूप से भिन्न है। देह में अहम भाव होता है, मैं यह हूं और मेरा यह है, इसको अहंकार कहते हैं। भजन नहीं, उसके लिए करना पड़ेगा, इसीलिए तो कह रहे हैं उसके लिए करना पड़ेगा, वो अपने आप नहीं मिलता है। जैसे दिन में बाहर आप काम करना चाहते हैं तो उस समय कोई व्यक्ति लगे लालटेन जलाने, गैस जलाने, प्रकाश करने, उस समय ईश्वर के द्वारा प्रकाश मिल रहा है। लेकिन रात होता है तो बिजली जलाना पड़ता है, लालटेन जलाना पड़ता है, तो भजन जो है वो उसके लिए जलाना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा। और जो कर्म फल है वो तो सूर्य का प्रकाश जैसे मिल रहा है वैसे वो मिलेगा, उसके लिए प्रयास करने की जरूरत नहीं, इसके लिए प्रयास करने की जरूरत, करने से होगा। इसलिए बारम्बार कहा जाता है करो 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 करो। बाल महाराज जैसे बताए कि सारी बार कोशिश करते रहो
कोशिश कर, कोशिश का मतलब क्या होता है? साधु संग, साधु खोजे खोजे और साधु के पास जाए, सुने, सेवा करे, कोशिश का क्या मतलब हुआ? कोशिश का मतलब केवल थोड़ी सी चेष्टा नहीं हुई ना, खूब जम करके प्रयास, प्रयास का मतलब होता है परिश्रम, परिश्रम करना है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति कुछ खोज रहा है, पाना चाहता है, तो उसके लिए कार लेकर यहां से वहां घूमना है, ये करना है, इससे मिलना है, करना है, ऐसे कहीं का भीसा लेना है तो सवेरे निकल जाओ, यहां जाओ, वो जाओ, टाइम से जाओ। साधु खोजने निकले तो साधु का पता लगा करके और खोजना चाहिए, संग करना चाहिए। और यदि रियली सब पे इच्छा हो तो भगवान प्राप्ति करा देते हैं। भगवान हृदय में है, अपने भक्त की लालसा को जानते हैं तो भेंट करा देते हैं। जैसे ध्रुव महाराज जब घर से निकले, उनके माँ ने कहा कि बेटा जाओ वन में भगवान की भक्ति करो, लेकिन ध्रुव महाराज को कुछ पता नहीं था कि कहाँ जाएं, क्या जपें, क्या ध्यान करें, कैसे रहे, कुछ भी पता नहीं, लेकिन लगन थी। तो भगवान ने नारद जी को भेज दिया हृदय में प्रेरणा करके, तो नारद जी सारी बात बता दिया, ऐसे करो, ये करो, वो करो। तो जब हम भगवान के लिए चेष्टा करते हैं, अभिलाषा करते हैं, तो भगवान सब पूरा कर देते हैं। विश्वास रखना चाहिए कि हम भगवान के प्रति अपनी भक्ति को जितना बढ़ाना चाहते हैं, उससे ज्यादा भगवान चाहते हैं कि हमारी भक्ति बढ़े, वो इसकी ज्यादा व्यवस्था करते हैं। इसलिए भगवत गीता दिए हैं, भागवत है, प्रभुपाद जी जैसे महान पुरुष भेजते हैं, फिर उनके शिष्य हैं, और भी सब कई प्रकार की व्यवस्था भगवान करते हैं। दुवे तो ज्यादा चिंतित है कि जीव कृष्ण कॉन्शियस हो, बल्कि हम लोग नहीं चाहते हैं उतना, और वे चाहते हैं। तो जो व्यक्ति चाहता है रियली भवसागर तरना, भगवान से प्रेम करना, तो भगवान व्यवस्था करते हैं, विश्वास करना चाहिए। गुरु गुरु या साधु को ढूंढ रहा है जी, और उसकी इच्छा है कि वो गुरु या तो गोगत मिला या बाद में अपने स्थान से ठीक हो गया, कि अपने व्यक्ति में जो भी उसमें कुछ पाप है या वो ठीक से नहीं ढूंढ रहा है या उसके पुण्य कर्म इतने अच्छे नहीं है या क्या मानना चाहिए, वो गलती कहाँ है? नहीं, वास्तव में यदि वो ईश्वर पर विश्वास करके खोजे तो भगवान उसे शुद्ध गुरु की प्राप्ति करा देंगे। लेकिन कहीं वह अपने अपने हिम्स से या अपनी किसी भौतिक इच्छा की पूर्ति के लिए या किसी और अल्टरनेटिव मोटिव से अगर वो गुरु स्वीकार किया तो हो सकता है इस तरह का खतरा उपस्थित। लेकिन रियली भगवान पर विश्वास करके कि हे भगवान, हमको ऐसा गुरु दीजिए जो आपकी प्राप्ति करा सके, और इस तरह से बहुत समीक्षा करके स्वीकार करें, तो उसे दो धोखा में नहीं पड़ेगा। जी हाँ, उस अवस्था में तो दोनों के कुछ कुकर्म कहे जाएंगे, जिसने गुरु स्वीकार किया उसके भी कुछ कुकर्म होंगे और गुरु के भी होंगे। अगर इस तरह से गुरु भगवान की भक्ति में सफल नहीं होता है, गिर जाता है, विषय का आवेश हो जाता है, तो उसके अपने कुछ गलत कर्म होंगे और शिष्य के भी कुछ भाग्यहीनता मानी जाएगी कि वो भी भगवान की कृपा से ही, भगवान की इच्छा से जो कुछ जिसको प्राप्ति होती है होती है। तो किसी एक पक्ष का दोष कहा जाए तो ठीक है, लेकिन